नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच परगना खबर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आधी रात को ताला तोड़कर चोर स्कूल में घुस गए और चावल बर्तन की चोरी कर ली। घटना राज्य के पांच परगना क्षेत्र सोना हाथू के इड़कू गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय की है। घटना की जानकारी सुबह गांव के ग्रामीणों को मिली, इसके बाद स्कूल के टीचर पहुंचे। स्कूल के प्रधान शिक्षिका ने बताया कि चावल बर्तन से लेकर गैस चूल्हा की चोरी हो गई है। सुबह हम लोग जब स्कूल आए तो देखे कि सारा दरवाजा, दोनों रूम, इधर स्टाफ रूम और किचन का दरवाजा का ताला टूट चुका था। अच्छा, इसके विषय में क्या क्या चोरी हुआ स्कूल में? जरूरत का सामान बच्चों का, वही चावल, गैस सिलेंडर, चूल्हा और देगची, कढ़ाई, मेन जो बच्चा लोगों को जरूरत है। सवेरे मिला गांव के माध्यम से जानकारी मिला कि रात के अंधेरे में चोरी किया गया है। मतलब अभी तक आपको क्या क्या सूचना मिला कि क्या क्या चोरी हुआ स्कूल में? स्कूल में चोरी चावल, बर्तन, गैस वगैरह, यही सब चोरी हुआ। हम लोग इधर जब सुबह अपना खेत तरफ टहलने के लिए आए तब पता चला कि यहाँ पर गांव में स्कूल में चोरी हुआ है। ताला उला सब तीनों रूम का तोड़ा गया है। प्राथमिक विद्यालय इड़कू की स्कूल जर्जर है। छत का प्लास्टर झड़ चुका है और छत का छड़ दिखाई दे रहा है। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, ऐसी स्थिति में एक बड़ी घटना घट सकती है। अगर समय रहते स्कूल प्रबंधक और स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं देते हैं तो घटना ताक पर है। पांच परगना खबर के प्रतिनिधि मधुसूदन मंडल ने जब स्कूल के प्रधान शिक्षिका से जर्जर भवन को लेकर सवाल पूछा तो प्रधान शिक्षिका का कहना है कि स्कूल में बैठक के बाद संबंधित विभाग को सूचना भेज दी गई है और स्कूल का जर्जर स्थिति है आपके विद्यालय में। इस विषय में तो बहुत बार मीटिंग हो चुकी है, गांव वाले या तो समिति से भी सदस्य आके यहां पर मीटिंग किए हैं और सूचना हम लोग विभागीय द्वारा पहुंचा दिए हैं। स्कूल का स्थिति भी बहुत जर्जर स्थिति में है, इसके लिए आप लोग क्या कदम उठाए थे स्कूल के विषय में? देखिए, हम लोग कई दफे स्कूल का विषय में बैठे हैं, विभागीय अधिकारी से भी बात हुई थी। मेरा 28 मार्च को भी हम लोग बैठे थे, जिस दौरान में ग्रामीणों के साथ और शिक्षा समिति जो यहाँ प्रबंधक समिति जो है उनके साथ भी हम लोग बैठ के एक निर्णय लिए थे कि जर्जर हालत को देखते हुए कहीं हम लोग का बच्चा या टीचर कोई भी इसमें क्षतिग्रस्त ना हो, हादसा का शिकार ना हो। इस विषय में ग्रामीणों के साथ हम लोग बैठ के एक निर्णय लिए कि गाँव के ही आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को शिफ्ट किया जाए ताकि सुरक्षित रहे और स्कूल सही रूप में चल पाए। वहाँ विधि व्यवस्था, सारा चीज सुविधा उपलब्ध है, पानी का व्यवस्था है, शौचालय का व्यवस्था है, खाना बनाने का भी उचित सुविधा है। उसको देखते हुए हम लोग वहाँ स्थानांतरित किए थे, जिसको हम लोग वीडियो को भी उस दौरान वीडियो दिखा के और बात करके भी उसमें सहमति लिए थे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पांच परगना खबर। नमस्कार।